ज्यादा मतलब चालीस इतना खराब है कि आप लोगों को शायद पता नहीं है, हम लोग जानते हैं, इसीलिए अफवाह में मत पड़िएगा, गलत फहमी में नहीं रहिएगा। कुछ बचाने वाला भी ज्यादा मत हो तो आपको लगता है कि अगर इसको हम लोग लाएंगे तो हमारे बच्चे लोग का भविष्य रहेगा, नहीं रहेगा, कल जाके हमारे बच्चे लोग नशाबाज, लड़की बाज, यही सब होगा, माँ बाप को नहीं देखेगा, न पढ़ाई लिखाई करेगा, सब बच्चा लोग बिगाड़ देगा। जहाँ उनका रैली होता है उतना देखते हैं कि वो महिला लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग, क्या आप लोग देखते हैं? हाथ उठा ऊपर करिए। सिर्फ बच्चे लोग या नौजवान लड़का लोग ही मिलेंगे जो कि पूरे तरह से बिगड़े हुए हैं, तो आप लोग सोच समझ के वोट करिएगा। आरोप प्रत्यारोप का मतलब होता है किसी के काम का, किसी का नीति का, किसी का सिद्धांत का विरोध करना, किसी भी व्यक्ति का पर्सनल विरोध करना नहीं होता है। अगर आप 5 साल सरकार में रहे हैं, अगर आप 5 साल सत्ता में रहे हैं, तो आपको इस बात के लिए वोट मांगना चाहिए था कि हमने ये काम करके दिया है, आपको इस बात के लिए वोट मांगना चाहिए था कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, आपको इस बात के लिए वोट मांगना था कि हमने महिलाओं के सम्मान में क्या काम किया है। ये लोग के पास मुद्दा नहीं है और ये लोग किसी विपक्षी पे लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इसका चरित्र खराब है, ये लड़कीबाज है, या इनके सभा में जो लोग आते हैं ये लोग खराब चरित्र के होते हैं। तो आप बताइए कि जेएमएम पार्टी जो इतने 5 साल सरकार में रही है और इनका जो इतिहास रहा है, आंदोलन का इतिहास रहा है, तो क्या वास्तव में इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, या फिर जयराम महतो ही मुद्दा है, या फिर ये लोग ऐसे लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि लोगों को दिग्भ्रमित कर करके दारू मुर्गा खिला करके वोट लिया जाए। इसलिए आप लोगों को तर्क से समझना होगा कि बड़े शिबू सोरेन जैसे और हेमंत सोरेन जैसे लोगों का नाम खराब कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस प्रकार की राजनीति की जानी चाहिए, और ये जो महिला के द्वारा जो कही गई, पता नहीं ये कौन सी महिला है, लेकिन जेएमएम के मंच के द्वारा कहा गया है या कह रहे थे कि जयराम महतो का चरित्र खराब है, तो आप बताइए कि जयराम महतो का चरित्र क्या खराब है, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि क्या चरित्र खराब है। अब देख सकते हैं कि जेएमएम की 5 साल की सरकार रही, उन्होंने छात्रों के हित में बात नहीं किया, युवाओं के हित में काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने लगातार लगातार छात्रों को ऊपर में लाठी बरसाने का काम किया और हमेशा गलत गलत नीति नियमों को ला करके यहाँ के युवाओं को बेरोजगार कर दिया। और आज छात्र पूछ रहे हैं कि जयराम महतो का जहाँ पे सभा होता है वहाँ पे बेरोजगार लड़के लोग रहते हैं या ऐसे लड़के लोग रहते हैं जिनका चरित्र खराब है, तो आप बताइए कि इनका चरित्र खराब है।